कि अगर लॉन्ग टर्म थेरेपी में आप लोग आना चाहते हैं कि अगर बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो आपको आयुर्वेद और यूनानी में आना है। बीमारी जैसा जिंदगी में खत्म नहीं होता है। नंबर वन डायबिटीज, हमारे पास ये डायबिटीज के बारे में राय है कि इट्स नॉट ए डिजीज। तो किसी दिन लगा कि इंसुलिन बंद नहीं होगा, नहीं, ये आप लोग ऐसे सिस्टम में आ गए हैं, इंसुलिन बंद नहीं हो सकता। इंसुलिन बंद होगा तो आपका कोई भी बीमारी पकड़ लेगा, आपका हार्ट फेल हो सकता है, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से आपको स्ट्रोक भी हो जा सकता है, किडनी। हमारे जो सिस्टम आयुर्वेद में और यूनानी में लाया कि आप इंसुलिन बंद कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? नंबर वन, आपका नमस्कार, मैं ज्योति आप सबों का अपना लाइव डॉट न्यूज़ के अपना हेल्थ कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसे डॉक्टर से जो कोलकाता से आए हुए हैं और इनका दावा है कि ये कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी, जो कि आम डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इसका इलाज जो लास्ट स्टेज पर है नहीं हो पाता है और उसके बाद उनकी जान चली जाती है, उसके साथ साथ ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका ये इलाज करते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर सुमन कल्याण सेन से, जो कि कोलकाता से आए हैं और इनकी शिक्षा बैंगलोर से हुई है, और आज जानते हैं इनके बारे में और कौन बीमारियां ये ठीक कर लेते हैं, इनसे आज पूरा हम जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका अपना लाइव डॉट न्यूज़ के अपना हेल्थ कार्यक्रम में। सर सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए हमें। मैं डॉक्टर सुमन कल्याण सेन हूँ और अभी तक मैं बैंगलोर कर्नाटक में गदग डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, तो राजीव गांधी हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ी हुई, अभी भी वहाँ रिसर्च करता हूँ वहाँ। तो बेसिकली आयुर्वेद के ऊपर हूँ मैं और यूनानी साथ में है, क्योंकि फार्माकोलॉजी यूनानी से किया था, तो इसीलिए ये दोनों सिस्टम के साथ जोड़ के आज की डेट में ट्रीटमेंट चालू किया है। ऐसा कुछ बीमारी को लेकर मैंने ट्रीटमेंट चालू किया था और आया हूँ डॉक्टरी पढ़ने के लिए, इसीलिए कि जो मॉडर्न मेडिसिन हम लोग जानते हैं, मतलब एलोपैथी जिसे कहते हैं हम लोग, ये सिस्टम में आने के बाद एक्चुअली बीमारी ख़त्म नहीं होता है। लोगों के पास कुछ ख़राब मैसेज आते हैं, गलत मैसेज आते हैं कि हम अगर एलोपैथी में जाएंगे तो कुछ कुछ सवाल पूछ लेते हैं पेशेंट, सर ठीक हो जाएंगे ना? ये गलत सवाल है, क्योंकि एलोपैथी फॉर इमरजेंसी पीरियड के लिए है। कोई भी बहुत ज़्यादा दर्द हो, आपको ऑफिस जाना है, एक ज़ीरोडॉल साइज़ो ले लिया, आप पहुँच गया, लेकिन ये दर्द तो फिर कल आएंगे। उसके लिए हम लोग हैं कि अगर लॉन्ग टर्म थेरेपी में आप लोग आना चाहते हैं कि अगर बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है तो आपको आयुर्वेद और यूनानी में आना है, नहीं तो जड़ से ख़त्म नहीं होगा। शायद हमारा ये इंटरव्यू बहुत सारे डॉक्टर के पास भी पहुंचेंगे, उन लोगों के मन में सवाल होगा तो ये कोलकाता से आने वाला डॉक्टर क्या एलोपैथी के साथ कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं? नहीं, किसी के साथ कोई पैथी के साथ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता है, सब अपना अपना पैथी का अपना अपना सिस्टम होता है। एलोपैथी अगर नहीं होता तो आप इमरजेंसी पीरियड में आप जिंदा नहीं रह सकते थे। अचानक आपका कुछ प्रॉब्लम आया, मतलब सांस की प्रॉब्लम आया, तो एक इंजेक्शन की ज़रूरी होता है जो आयुर्वेद में नहीं होता है। उसके वो समय में मुझे डेकाडोन या डेलीफाइलिन ऐसा कुछ इंजेक्शन की ज़रूरत हो सकता है। तो वैसे ही हम लोग ये जान गए हैं कि ऐसा कुछ लॉन्ग टर्म बीमारी है जैसा जिंदगी में ख़त्म नहीं होता है। नंबर वन डायबिटीज़, हमारे पास ये डायबिटीज़ के बारे में राय है कि इट्स नॉट ए डिजीज, ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये जो सिस्टम खराब होता है, सिस्टम क्या खराब होता है, शरीर में ब्लड के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और पैनक्रियास से जो इंसुलिन आने का बात था वो बंद हो जाता है, यही सिस्टम खराब होता है। तो इसके कारण एक इंसान को मरते दम तक जिंदगी भर टैबलेट के ऊपर टैबलेट, टैबलेट के ऊपर टैबलेट, हर महीना ब्रांड चेंज हो रहा है और एक दिन समय आएगा कभी भी पकड़ के उसको इंसुलिन लगा दिया जाएगा। इंसुलिन मतलब बाहर से इंसुलिन लेना पड़ रहा है, क्योंकि जो बीमारी को दिया जाता है, मतलब पेशेंट को, उसको मिठाई खाने का इच्छा हुआ है, वो डॉक्टर को बताया कि सर हम मिठाई थोड़ा बहुत खाने का मन है, थोड़ा चावल ज़्यादा खाना चाहते हैं तो इंसुलिन लीजिए। इसमें तो हम डॉक्टर को दोषी ठहराएंगे नहीं, पेशेंट का ख्वाहिश था, वो पूरा करने के लिए उन्होंने इंसुलिन चालू कर दिया। अब उसको किसी दिन लगा कि इंसुलिन बंद नहीं होगा, नहीं, ये आप लोग ऐसे सिस्टम में आ गए हैं, इंसुलिन बंद नहीं हो सकता। इंसुलिन बंद होगा तो आपका कोई भी बीमारी पकड़ लेगा, आपका हार्ट फेल हो सकता है, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से आपको स्ट्रोक भी हो जा सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, नर्वस सिस्टम खराब हो सकता है और आप आँखों से अंधे भी या ग्लूकोमा भी हो सकता है। तो ये जो बीमारी का नाम बताया, ये डायबिटीज़ के कारण गिफ्ट है, ये गिफ्ट ऐसा एक बीमारी है जो एक एक इंसान को मतलब मार देने के लिए काफ़ी है। तो
इसी हालत में हमारे जो सिस्टम आयुर्वेद में और यूनानी में लाया कि आप इंसुलिन बंद कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? नंबर वन, आपका खाने का जो स्टाइल है, दिन में जो आप लोग खाना खाते हैं उनका कुछ रेस्ट्रिक्शन करना है, वो मैं बता देता हूँ। ये मान के चलेंगे तो हमारा दवा लीजिए, ऐसे चालू कीजिए, वरना छोड़ दीजिए, जहाँ है आप ठीक है। दूसरा बात, आपको वॉकिंग करना पड़ेगा। नहीं सर, वक्त नहीं मिलता है। क्या वक्त नहीं मिलता है? हमारा प्रधानमंत्री जी को, आपका मुख्यमंत्री जी को अगर हर दिन का वॉकिंग ट्रेडमिल में चढ़ने का वक्त मिलता है तो आपको उतना तो काम नहीं है। खुद के लिए, अपने लिए जीना है, अच्छा जीना है तो वॉकिंग करना जरूरी है। दूसरा, पानी मिनिमम एज के हिसाब से ढाई लीटर हो या 3.5 लीटर हो लेना है। डायबिटीज पेशेंट को जब तक सूरज है तब तक ज़्यादा पानी पीना है, सूरज ढल जाने के बाद कम पानी लेना है, नहीं तो रात को सोने के बाद बार बार यूरिन लगेगा और आपका नींद खराब हो जाता है। दूसरा है, खाने का जो परहेज है, ज़्यादा कुछ नहीं, फ्रूट बंद कर देता हूँ मैं, खाली खीरा मतलब क्यूकम्बर ले सकते हैं, फ्रूट बंद रहेगा। दूसरा, आलू पटेटो मत लीजिए। तीसरा, चावल मत लीजिए, नहीं तो लीजिएगा तो थोड़ा एक कप जैसा। और चौथा, मीठा मत लीजिए। पानी दिन में कम से कम 3 लीटर से 3.5 लीटर लेना है, क्योंकि कारण यही है। वॉकिंग और पानी क्यों इसके ऊपर जोर दे रहा हूँ, बॉडी से शुगर निकलने वाला दो ही तो जगह है, एक तो पसीना स्वेटिंग, दूसरा है यूरिन। यूरिन अगर बार बार हर 2 घंटे में यूरिन होगा और आप पानी पीता जाएंगे तो ये शरीर से फिल्टर होता जाएगा। ये 1 महीना करके देखिए ना, अगर ना रिजल्ट आए तो मैं गलत साबित हो जाऊँगा, दूसरा बार पार्टनर में कभी नहीं होऊंगा मैं। सर, डायबिटीज़ में जो आप बताइए ये सब प्रिकॉशन बरतने के लिए, इसके अलावा सर आप कोई मेडिसिन वगैरह भी देते हैं? प्रिकॉशन तो अभी तक बताया नहीं, आई मीन मतलब ये तो प्रिकॉशन रेस्ट्रिक्शन बताया, नॉर्मली जो रेस्ट्रिक्शन, डेली रेमेडीज भी है, होम रेमेडीज भी है। कौन-कौन से? कड़ी पत्ता आप लोग जानते होंगे, कड़ी पत्ता जो साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो कड़ी पत्ता 10 छोटा छोटा टुकड़ा 10 और इतना सा कच्चा हल्दी, बस सुबह में एम्प्टी स्टोमैक में लेना है। चाहे वो चाय पीना भूल जाइए, खाना भूल जाइए, इसको लगातार 6 मंथ ट्राई टू कंटिन्यू दैट दिस होम रेमेडीज। ये अगर चलता रहेगा, आप क्या कहते हैं ना, कड़वा, अच्छा कड़वा चीज़ खाने से ही तो शुगर कम हो जाएगा, गलत है। नीम पत्ता भी तो कड़वा होते हैं, अगर कोई डायबिटीज पेशेंट नीम पत्ता खा लेंगे तो उसका धीरे धीरे किडनी डैमेज होगा। हर कड़वा चीज़ कभी भी डायबिटीज लो नहीं कर सकता है, ऐसा चीज़ लेना चाहिए जो आपको पैनक्रियास को एक्टिव बनाएगा। तो ये कड़ी पत्ता जो मैंने बताया ये नेचुरल इंसुलिन है। सर नॉर्मली सर जैसे कि आप बता रहे हो कड़ी पत्ता और कड़वा चीज़ नहीं लेने का, नॉर्मली डॉक्टर एडवाइस करते हैं डायबिटीज पेशेंट को करेला। करेला ठीक है, तो आपके हिसाब से वो भी तो करवा हुआ सर? हाँ, लेकिन वो नीम पत्ता से बहुत कम है और कच्चा नहीं लेते हैं, उसका बॉयल करके लेते हैं, मतलब उसका खराब चीज़ बॉयल के साथ। कई जगह डॉक्टर्स बताते हैं कि उसको जूस पीने के ये खराब है, वो ज़्यादा कड़वा हो जाएगा। बात ये दिमाग में रखिए, कड़वा चीज़ लेने से ही डायबिटीज शरीर से नहीं जाता है, ये गलत फहमी है। हम लोग ये पेड़ पौधे के साथ बड़ा हुआ हूँ, आज का जो एज है हमारा एज है 22 ईयर्स, ये पेड़ पौधे के साथ गुजर गया मेरा। कौन कौन सा कड़वा चीज़ से शरीर में मात्रा होता है, डोज होता है मैडम, तो इसलिए कोई भी आपको मैं कुछ होम रेमेडी बता दे, आप घर में जाके, आपको डायबिटीज़ है नहीं, आप आज मान लिया कि चलो काली पत्ता में तो शुगर कम होता है तो आज से हम खाते हैं, कभी तो ज़िंदगी में नहीं आएगा, गलत फहमी है। जिसका शरीर में है नहीं वो मत लीजिए। होम रेमेडीज़ वो भी डोज होता है, ये डोज के साथ लेते रहिए, वो भी कोई भी फिजिशियन से, आयुर्वेद फिजिशियन से मशवरा करके, कंसल्ट करके, नहीं तो आपका शरीर में जो बीमारी है नहीं उसका आप होम रेमेडी ले लिया। होम रेमेडी होता है सबसे पहला नंबर का दवा, उसके बाद तो हम लोग जो मेडिसिन बना है वो चीज़ होता है। आगे और कौन कौन सा मेडिसिन देते हैं होम रेमेडी के अलावा? होम रेमेडी के अलावा आयुर्वेद और यूनानी के दवा देते हैं, ये सभी आयुर्वेद का होता है। इंसुलिन बंद करवाने का क्या प्रोसेस है, कैसे आप बंद करवा देते हैं जबकि वो नॉर्मली तो बंद होता ही है? हम जब आज से दवा चालू करेंगे, मान लीजिए आप 30-30 2 बार लेते हैं लेंटस और ह्यूमन, ओके, तो जब पहला दिन में चालू होगा हमारा दवा के साथ वो इंसुलिन चलता रहेगा, 72 घंटे के जाने के बाद उसका डाउनफॉल होता जाएगा, मतलब थोड़ा वीकनेस लगेगा, इसके पता लग जाएगा, जो डायबिटीज पेशेंट उसको पता लग जाता है कि नीचे जा रहा है, तो उसके बाद ही मैं कह दिया कि 5-5 करके इंसुलिन बंद, 5 तो मतलब 25 चल रहा है 15 दिन के अंदर, उसके 1 हफ्ता फिर वो इंसुलिन के 25-25 साथ में हमारा मेडिसिन, ये चलते चलते फिर 1 हफ्ता बाद फिर डाउन हो जाएगा, फिर आप 5-5
रिड्यूस कीजिए, मतलब 20-20 चल रहा है अभी, तो ऐसे ही हर हफ्ते में, हर 15 दिन में 5-5 माइनस होते होते 1-2 महीने के अंदर वो इंसुलिन नील हो जाता है, ज़रूरी नहीं पड़ता है। आपको ये मैजिक लगेगा और पेशेंट को भी, क्या बात है डॉक्टर, जो डॉक्टर ने इंसुलिन चालू किया था उन्होंने तो कहा था कि इंसुलिन बंद नहीं होता है, तो आप ये दिमाग लगाना चालू करता है, इसमें क्या सर स्टेरॉयड नाम से कोई चीज़ है क्या? स्टेरॉयड का बात आ ही जाता है हर आयुर्वेद के डॉक्टर के साथ, क्यों भाई रिजल्ट अच्छा हो रहा है मतलब वो स्टेरॉयड मिला रहा है, अरे भाई आपको ठीक कराना भी मेरे लिए गुना बन गया, स्टेरॉयड तो बाजार में खुलेआम बिक रहा है वो भी वाइड बिल में, तो जाके कोई भी एलोपैथी डॉक्टर को कहिए ना कि स्टेरॉयड इस्तेमाल कीजिए मुझ पर करके, वो कम करके तो दिखाए इंसुलिन, वो तो नहीं कर पाया, तो क्यों गलत फहमी सोच रहे हैं आप कि स्टेरॉयड दवा के साथ मिला कि इंसुलिन बंद हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है जो शरीर में जाने के बाद हमारे पास जो डायबिटीज पेशेंट आता है ये डायबिटीज कम करने के लिए नहीं, ये जो दवा हम देते हैं ये इंसुलिन को एक्टिव करने के लिए, मतलब जो काम करना बंद कर दिया था वो फिर काम चालू करेगा, मतलब इंसुलिन सिलेक्शन चालू हो जाएगा, इसीलिए धीरे धीरे इंसुलिन बंद होता है। दिस इज वैसे जैसे कि मान लीजिए कि किसी किन्हीं किन्हीं को डायबिटीज़ के साथ साथ और भी कई बीमारियाँ होती हैं और वो आप तो आयुर्वेदिक दवा देते हैं एकदम नेचुरल, तो और वो अंग्रेजी दवा अगर खा रहे हैं तो वो साथ में चलेगा या नहीं? चलेगा, चलेगा। आयुर्वेद ट्रीटमेंट के चलने के साथ भी अंग्रेजी दवा जरूरत हो जाता है, कहाँ कैंसर के जरिए बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, पेशेंट तो दूर में रहता, हम तो एडमिट नहीं करते, हमारा डे केयर हॉस्पिटल में, अभी तो एक कैंसर पेशेंट के साथ बात किया गया है लास्ट पेशेंट, तो कई साल से 3-4 साल से पेशेंट का केमोथेरेपी चल रहा है इसीलिए जिंदा है, तो वो पेशेंट को मेरा दाबा चालू होने के बाद, मैं तो कोलकाता में, उसका अगर बहुत दर्द चालू होगा तो हम क्या कहेंगे आयुर्वेद तो नहीं? मैंने कहा ना शुरुआत में कि एलोपैथी मेडिसिन फॉर इमरजेंसी पीरियड, उसी समय उसका दर्द नाश करना है, मतलब कोई भी एक एलोपैथी दवाई मैं बता दी। हाँ तो डॉक्टर साहब एक बात बताइए, अगर पेशेंट यहाँ पटना में है ठीक है, आप कोलकाता रहते हो, तो फिर उनको अगर आपसे मिलना होगा तो कैसे मिलेंगे? हम तो हर 15 दिन में यहाँ आ रहे हैं। अगर इन 15 दिन में उनको अगर ज़रूरत पड़ी तो? बाकी ऑनलाइन सिस्टम है ना, ऑनलाइन या आपका और आपका फीस का, फीस का क्या है स्ट्रक्चर है, मतलब किस किस प्रकार आप फीस लेते हो डायबिटीज में? फीस तो एक ही है, वो कैंसर के लिए भी एक ही होता है। नहीं नहीं, आपके पास दिखाने का मतलब फीस अच्छा, कितना अच्छा। लगता है? बात तो ये है कोलकाता में तो हम अपना अस्पताल में ओनली 500 लेते हैं, और उनका कहना है कि अगर आप सिर्फ होम रेमेडी पे जा रहे हो यूट्यूब पे देख के कि बस होम रेमेडी देखा और बीमारी ठीक हो गया, तो ये इस पे मत जाइए, आपको सबसे पहले ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, सही जाँच की, सही लोग की पहचान की, और दवा के साथ साथ आपको जो डेली रूटीन का जो प्रिकॉशन सर ने बताया वो सब भी साथ साथ बहुत ज़रूरी है। सलाह के लिए आपको सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप सर से डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हैं और कनेक्ट हो सकते हैं। तब मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो के साथ, नमस्कार।